कन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ काफी ज्यादा फेमस इन्वेस्टिंग स्कीम्स हैं और इनके अंदर काफी सारे लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं क्योंकि आपको काफी ज्यादा रिटर्न्स भी देखने को मिलती हैं। बट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इन दोनों के नए रूल्स को रिलीज कर दिया है जो कि 1 अक्टूबर 2024 से लागू होने वाले हैं और 1 अक्टूबर 2024 के बाद शायद आप अकाउंट बंद भी हो सकता है या फिर जो इंटरेस्ट है ये 0% के ऊपर भी हो सकता है अगर आप कोई रूल को ब्रेक करते हो। तो हम इन पांचों रूल के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। फर्स्ट रूल आता है पीपीएफ की ओर से जो कि माइनर के ऊपर अप्लाई होने वाला है। माइनर का अकाउंट जो भी है अगर पीपीएफ के अंदर आपने ओपन करवा रखा है तो उसको नॉर्मल अकाउंट जैसा ही ट्रीट किया जाएगा, जैसे कि सेविंग अकाउंट के अंदर जो भी इंटरेस्ट मिलता है वही उसको इंटरेस्ट मिलने वाला है जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता है। साथ ही में माइनर के नाम पे सिर्फ एक अकाउंट को ही ओपन करवाया जा सकता है और जो भी अकाउंट है माइनर की एज अगर 18 साल से कम है तो उसको सेविंग अकाउंट वाला ही इंटरेस्ट मिलेगा और जब वो 18 साल से ऊपर हो जाएगा तो उसको पीपीएफ वाला रेट अप्लाई होने वाला है जो कि अगले 15 साल तक वो अकाउंट काम करने वाला है। सेकंड, पीपीएफ अकाउंट लिमिट, अगर आपके एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट है तो उनको बंद कर दिया जाएगा बट यहाँ पर इसी कुछ कंडीशन होने वाली है। अगर आपके 3 पीपीएफ के अकाउंट है और आपने इन तीनों के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट कर रखी है तीनों को मिलाकर तो जो आपका ओल्डेस्ट अकाउंट है उसके अंदर 1.5 लाख को ट्रांसफर कर दिया जाएगा चाहे उनको तीनों के मिलाकर हो, बाकी के 2 अकाउंट है उनको बंद कर दिया जाएगा और जो उसका रिफंड है वो आपको मिल जाएगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी नहीं होने वाला है क्योंकि बाकी के 2 अकाउंट है। बट जो एक 1.5 लाख वाला अकाउंट है उसको आपके पास रह दिया जाएगा जो कि आपका प्राइमरी या फिर ओल्डेस्ट अकाउंट होने वाला है। जैसे कि अगर आपका एक पीपीएफ अकाउंट है और आप उसके 1.5 लाख वाली लिमिट को ही लगा रखी है तो वो अकाउंट तो सही रहने वाला है बट आपके कोई और मल्टीपल अकाउंट है जिसके अंदर आपने थोड़ा थोड़ा करके और इन्वेस्ट कर रखा था तो अगर वो 1.5 लाख कंप्लीट होता है तीनों को मिलाकर तो जो मेन अकाउंट के अंदर वो सब भेज दिया जाएगा बट 1.5 लाख से ऊपर अगर तीनों को मिलाकर हो जाता है तो जो बाकी का अमाउंट है वो आपको रिफंड कर जाएगा और उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और बाकी के जो 2 अकाउंट है या फिर कोई भी अकाउंट है जो कि 1 से ज्यादा है उनको बंद कर दिया जाएगा। रूल 3, पीपीएफ एनआरआई अकाउंट। अगर आप एक एनआरआई है तो आप अकाउंट पीपीएफ का नहीं खुलने वाला है, ये तो पहले भी था। बट अगर आप एनआरआई बाद में बने हैं और आपने पीपीएफ पहले ही करवा रखा था तो जो भी आपका इंटरेस्ट है ये 4% रहने वाला है सितंबर 30 तक, उसके बाद है ये 0 हो जाएगा यानी कि एनआरआई का आप अकाउंट नहीं रहने वाला है। आप इसके अंदर इन्वेस्ट तो कर पाएंगे बट 1 अक्टूबर के बाद अगर आप एनआरआई हैं तो 0% का ही इंटरेस्ट मिलने वाला है और इससे पहले आपको लगभग 4% का जो कि सेविंग के ऊपर रहता है वो ही मिलने वाला है अगर आपका पहले से ही अकाउंट था और आप बाद में एनआरआई बने हो। रूल 4, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट लिमिट। इसके अंदर अगर आपकी एक फैमिली में 2 से ज्यादा अकाउंट है तो 2 से ऊपर के अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा यानी कि 2 ही अकाउंट हो सकते हैं एक फैमिली के अंदर। इसमें एक और बड़ा रूल अपडेट किया गया है, जो लीगल गार्जियन है अब ये ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होने वाले हैं, ये सिर्फ आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स होने वाले हैं या फिर कोर्ट द्वारा सर्टिफाइड कोई भी गार्जियन होने वाला है। बट कोई भी ऐसे जो कि कोर्ट द्वारा सर्टिफाइड नहीं है वो नहीं होने वाला है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं असली वाले। और अगर ऐसी कोई पहले से कोई गार्जियन है जो कि कोर्ट द्वारा सर्टिफाइड नहीं है तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा लीगल वालों के पास। रूल 5, डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट के अंदर कमी है, केवाईसी नहीं हुआ पड़ा है या फिर कोई और डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है बैंक के अंदर तो आपने उसको पूरा कर देना है, अदरवाइज आपको समस्या हो सकती है। बाकी अगर आप इन्वेस्टर्स वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आपको सुकन्या समृद्धि योजना का कैलकुलेटर मिल जाएगा जिसमें आप चेक कर सकते हैं आपको कितनी रिटर्न्स मिलेगी और पीपीएफ का भी कैलकुलेटर इसी के अंदर मिल जाता है, आप इसके अंदर सर्च भी कर सकते हैं। बाकी आप कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।